है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी है स्पेशल क्लास, ध्यान से देखिएगा। 13 तारीख से यानी कि 13 जून से आपकी क्लास आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम के अनुसार पहले जैसे होने लगेगी। तब तक आप लोग देखेंगे 2-3 दिन तक ये स्पेशल क्लासेस जो भी चल रही हैं। आज हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस चेंज्ड इनटू रेफनल नंबर, यानी कि दशमलव भिन्नों को रेफनल नंबर परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपसे हमारा विनम्र निवेदन होगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा और हाँ, लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है 0.35, इसको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें। सबसे पहले आपको बता दें कि दशमलव भिन्न मतलब ये देखो दशमलव भिन्न है, ठीक है, इसी को दशमलव भिन्न बोलते हैं। परिमेय संख्या में बदलिए, परिमेय संख्या का मतलब पी अपान क्यू के फॉर्म में बदलिए, मतलब जैसे 3/7 आ गया, 8/2 आ गया, वगैरह वगैरह, यानी कि वो रेफनल नंबर में आ जाए, दशमलव हट जाए। तो भाई दशमलव केवल हटाना है, बाकी इसमें कोई और मंत्र नहीं लगाना है, तो उसी के बारे में हमको आपको बताना है, बस आपको दिमाग लगाकर ध्यान लगाना है। तो ये 0.35 हमने लिख लिया, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को भूल कर इसको आगे लिख लेंगे, लेकिन भूलने से किसी को काम नहीं चलने वाला है। बाद में लाइन खींच करके 1, 2 अंक पर दशमलव लगा है तो नीचे 2 जीरो लगा दोगे, ये हो गया आपका उत्तर। लेकिन अभी इतने में काम नहीं चलने वाला है, अभी इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे, वो क्या करना है, काटना है। एक मैक्सिमम नंबर कहने का मतलब ये है कि आप 35 और 100 का ले लो HCF, और जो HCF आएगा उसी से आप इन दोनों को काटोगे। काटने को तो आप 5 से भी काट सकते हो, लेकिन फिर ये कई बार कटेगा, है ना, तो दोनों का HCF लोगे तो 5 ही आएगा। कहने का मतलब ये, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, और उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या ना हो जिससे ये दोनों कटे, तो वो 5 होगा, जिससे एक बार में काटो दोबारा ना काटना पड़े। 5 × 35, 5 × 10 = 0, यानी कुल मिलाकर के 7/20 आ गया। इट इज अ रेफरल नंबर, समझ में आया। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लिया। जल्दी से वीडियो को यहीं पर रोक लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, जैसा आपके मन वैसा करें। तो चलिए दूसरा सवाल, रोक लीजिए वीडियो को, लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप टाइम कमा देंगे। देखिए आपको हम देते हैं 4 से 5 सेकंड का टाइम, उतना देर में आप वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक सकते हैं। नहीं लिख पाए थोड़ा पीछे कर लें वीडियो को, फिर से देख लें। अगला 0.750, इसको आप प्यार से ऐसे लिख लो बिना दशमलव के, लिख लिया, एक बड़ा सा लाइन खींच लीजिए। आप देखिए 1, 2, 3 अंक पर दशमलव लगा है तो आप नीचे 1 लिख करके 3 जीरो लगाओगे, बस हो गया। लेकिन अभी इतने में नहीं हुआ, इसको आपको सिंपलीफाई करना है, काटना है। काटिए कोई ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जिससे कि ये कट जाए आसानी से। तो इनको आसानी से करने का एक तरीका है कि आप पहले 1, 1 जीरो उड़ा दो इसमें से। तो मैं आपको समझाने के लिए 8 जगह और लिख देता हूँ, ये लो अब छोटा हो गया। 75 और 100 का HCF निकालोगे यानी कि मासा निकालोगे तो 25 आएगा, 25 से काटोगे, 25 × 3 = 75 और ये 25 × 100, इस तरह से कम्प्लीटली 3/4 आ गया, ये उत्तर हो गया। जल्दी से वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा वीडियो को रोक करके स्क्रीन पर टच करके लिख लीजिए, हो गया ना क्लियर। तो हम चलते हैं अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला सवाल जो कि आपके सामने लिखा गया है, बहुत ही प्यारा है ये सवाल, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, 3रा नंबर सवाल है, तो इसके पास हम लोग जरूर चलेंगे। हो गया, वीडियो को रोक करके तुरंत उसी पर लिखा करें। 3रा सवाल है 2.50, तो इसको हम यहीं पर हल करेंगे। 1.5 तो पहले इसको लिख लीजिए बिना दशमलव के, 215, नीचे एक बड़ी सी लाइन और वही डंडी, 1-2 अंक पर दशमलव था, आप 2 जीरो लगा ले जाओगे, बस हो गया। अब इसको है काटना, किससे काटोगे, 215 और 100 का HCF निकालिए। 215 और 100 का जब आप HCF निकालोगे तो आप पाओगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 से काट देंगे, 5 × 20, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 = 0, इस तरह से ये 43/20। मतलब कहने का ये है कि ये जो नंबर आ रहा है बाद में, ये दोबारा ना कटे, उस फॉर्म में आपको लिखना है।
यानी कि फाइनल करके आपको लिखना है। जैसे अगर हम आपको एक यहाँ पर एग्जांपल बताना चाहें छोटा सा, अगर आपको कहीं 48 बटा 12 लिखा है तो इसे आप किससे किससे काट सकते हो, दोनों को, इसको आप 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, 12 से भी काट सकते हो, तीनों गिनती से ये कटेंगे, लेकिन इसको आप केवल 12 से काटोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 2 से काटोगे तो देखिए ये 24 आएगा, ये 6 आएगा, यानी 24 बटा 6 आ गया। अगर आप इसको यानी अभी फिर ये कटेगा, कहने का मतलब ये अभी फिर कटेगा, 2 से काटोगे 2 3 6 और ये 12 आ गया, फिर अभी कटेगा 3 1 3 3 4 12, मतलब देखो 2 से काटा तो कई बार कटाना। इस तरह से अगर इसको आप 4 से भी काटोगे तो भी ये कई बार कटेगा, मतलब अगर आप इसे 4 से काटोगे तो ये 4 3 12 और 4 1 4 4 2 8 3 1 3 3 4 12 दो बार कटाना। लेकिन अगर आप इसको ये सब ना करो, इसको सीधा सीधा आप इससे काटो 12 से काटो तो ये देखिए 48 अपॉन 12, ये 12 चौका 48, लेकिन ये आपको कम जमा होगा क्योंकि आपने कहा कि 12 से तो कट रहा है, इसलिए इसको आपने ऐसे कर दिया। ना बाबा ना, ऐसे नहीं हो सकता। ये देखो आप 48 को आप इसको 56 से काट दो ना, आप बताओ किससे काटेंगे, एक बार में कट जाए, जानते हैं 8 7 56 और 8 6 48 है ना। आप इसको 8 से काटोगे क्योंकि दोनों का HCF 8 आएगा, 48 और 56 का HCF 8 आएगा, आप इसको 8 से काटोगे। काटने को तो आप इसको काट सकते हो 4 से भी 2 से भी, लेकिन जब 2 से या 4 से काटोगे तो दोबारा कटेगा, इसलिए बड़ी से बड़ी नंबर से काटते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखिए वीडियो छोटा होगा, क्लास छोटी होगी, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो ये क्लासें जो आपकी होंगी ना स्पेशल, वो गागर में सागर होंगी। और ऐसी मटेरियल आप जो यहाँ पा रहे हैं ना यूट्यूब पर, आप खोजते रह जाएंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप PVR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे कहीं आपकी ये महत्वपूर्ण क्लासें आपसे मिस ना हो जाए। आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हो जल्दी से कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को मित्रों तक फैला देना है। एक क्वेश्चन हम आपको और करवाएंगे, उसके बाद आपको चुपके से चले जाना है और फिर से अगली क्लास में आ जाना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वहां पर आपको टाइम लिखा होगा कि कौन सी क्लास कब होती है, वो टाइम आपका अप्लाई होगा 13 जून से। इसको आप दशमलव बिंदु में कैसे बदलोगे, जो भी नंबर लिखा है उसको लिख लो चुपके से। ये 15 लिखा था, आगे 0 था तो 0 भी लगा दो, इसमें कोई बुराई नहीं। एक बड़ी सी लाइन खींच करके 1 2 3 अंक पर दशमलव था तो आप 3 0 लगा लोगे। अब बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ जिससे दोनों कट जाए, यानी 15 और 100 का आपका एलसीएम लेना है। 100 नहीं है जी, 1000 है। इसका आप एलसीएम निकालोगे तो 5 आएगा हमारे समझ से, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो 5 3 15 और ये 5 2 10 0, इस तरह से 3/200 आया। तो ये था तरीका दशमलव बिंदु का परिमेय संख्या में बदलना। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया और इस वीडियो को हमने कैप्चर किया इतनी रात्रि में आपके लिए। तो आपका फर्ज बनता है कि इसको ऑल इंडिया में फैला दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह पे इसके लिंक को शेयर करिए, जिससे किसी जरूरतमंद किसी गरीब की ये क्लास को देख करके उसके भी सपने पूरा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर भी अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। मैं राजकुमार रघुवंशी आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊंगा गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी के साथ। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा। यही उम्मीदों के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।